शिक्षिका ने की मासूम बच्चे की पिटाई, होमवर्क करके घर नहीं गया तो टीचर ने लहूलुहान करके भेजा घर। रीवा शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में स्थित आनंद मार्ग विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा तीसरी का छात्र सुयश पांडे के साथ शिक्षिका द्वारा पिटाई किए जाने का मामला प्रकाश में आया है, जिसके बाद छात्र के परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं मामले पर अब पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि मंगलवार को जब छात्र विद्यालय पहुंचा तो होमवर्क न करने के चलते शिक्षिका ने उसकी बेदम पिटाई की। दरअसल आनंद मार्ग विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा तीसरी का छात्र सुयश पांडे काफी दिनों के लिए अपने परिवार जनों के साथ घूमने गया था, जिसकी वजह से उसने विद्यालय से अवकाश लिया था। अवकाश खत्म होने के बाद जब वो सोमवार को विद्यालय पहुंचा तो उसकी एक शिक्षिका विद्यालय में नहीं थी, जिसका नाम लक्ष्मी बताया जा रहा है। अगले दिन जब मंगलवार को वो छात्र विद्यालय पहुंचा तो शिक्षिका ने होमवर्क के बारे में उससे बातचीत की, तब छात्र ने होमवर्क की जानकारी न होने की बात बताई, जिसके बाद शिक्षिका लक्ष्मी के द्वारा छात्र की पिटाई कर दी गई। जब बच्चा घर पहुंचा तो परिजनों ने चोट के कारण पूछे, तब बच्चे ने घटना की पूरी जानकारी दी, जिस पर बच्चे की मां शिकायत लेकर विद्यालय पहुंची, मगर विद्यालय में उसकी शिकायत न सुनने के बजाय शिक्षकों ने उसको डांट कर भगा दिया, जिससे परेशान होकर अंततः छात्र की मां ने सिटी कोतवाली थाने में FIR दर्ज कराई है। अब पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। क्या नाम है आपका? सुयश पांडे। कहाँ पढ़ाई करते हैं आप? आनंद मार्ग। किसने मारपीट की है आपके साथ? लक्ष्मी मैम। क्या वजह थी बताइए पूरा। कल मैं स्कूल आया था पर कल मैम नहीं आई थी, इसीलिए कल मैम आई नहीं थी, होमवर्क मुझे नहीं पता था इसलिए कर गया था स्कूल, इसीलिए मैम मारी थी। कैसे मारी, मारा उन्होंने किस तरह से? वो उनके नाखून बहुत बड़े थे। कितनी बार पिटाई किया आपने? किस तरह मारा ये बताओ। 7 बार, पेट में 2 बार, गाल में 6 बार, बाल पकड़ के। ब्लड भी निकला था आपके, यहाँ पे खरोंच के निशान है। हाँ थोड़ा सा, स्कूल में। क्या लगा था आपके गाल पे, क्या काहे का निशान है? गाल में छाला पड़ा है, मुँह में दर्द होता है। हाँ कहाँ से मारी थी? हाथ से। हाथ से मारी थी। और भी कुछ बोले? क्या बोले थे? कल से होमवर्क करके आना। होमवर्क नहीं किए थे क्या? कौन सी क्लास में? 3। अरे मैं बाहर से आई हूँ, मेरी बेटी बाहर पढ़ती है, तो मैं बच्चा छोटा है, मैं उसको साथ ले गई थी, तो मैं यहाँ सारी अपनी हम प्रॉब्लम बता के गए थे कि बच्चे को साथ ले रहा, जब मैं आऊँगी तो स्कूल ज्वाइन कराऊंगी। तो आई मैं तो 2 दिन बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने नहीं भेजा, मैंने मंडे से स्कूल भेजा। मैं टीचर से एक दो को बोल के आई, जो हमारी पुरानी परिचित थी, कि इसको मैम को बता दीजिए इसको मारा रहे नहीं, अभी आया है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो मंडे को कोई घटना नहीं हुई। कल फिर मैं स्कूल छोड़ के आई, स्कूल छोड़ने के बाद ये मेरा बेटा बड़ा वाला इसको स्कूल लेने गया, मैं अपने घर के काम में बिजी थी, तो मैंने बच्चे को कहा बेटा देखो चलो, हमने कि अपने कपड़े उतारो चलो खाने आने को देते हैं। तो बस हुआ ये, मैंने बच्चों को खाना लगाया, जब मेरे बड़े बेटे ने देखा कि इसके तो चोट लगी, मैंने कपड़े उसके चेंज किए तो देखा तो उसके गाल में बहुत चोट। पहले मैंने बच्चे को, हमने कि बेटा कहाँ गिरे हो, क्यों सहायता नहीं की है? कि नहीं मैं गिरा नहीं हूँ, मेरे को मैम ने मारा है। तो मैंने पूछा क्यों मारा तुमको, सही बोलना झूठ नहीं बोलने का? तो बोले कि मैंने कहा होमवर्क नहीं था, मैम कल आई नहीं थी और मेरा होमवर्क मुझे पता नहीं था, हुआ नहीं इसलिए मैंने मेरे को मारा है। तो उसके बाद फिर मैंने कही अच्छा ठीक है, तो मैं फिर अब वहाँ लाल मैम के पास गई, तो मैंने लाल मैम से कही, हमने कि देखिए मैम इसको आपको हम सारी घटना बता के गए थे, हमारी प्रॉब्लम जो भी है, लेकिन मैम ने इसको इतनी बार मारा, पहले भी 1-2 बार उसको मारी है, नाखून लगा है, तो मैंने इग्नोर कर दिया, हमने कि चलो छोटे धोखे से लग गया होगा, लेकिन आज तो बहुत ही तेज उसको मारा। तो बोले कि हो गया होगा, वो ये वो बातें बनाने लगी, तो हमने कि ऐसा नहीं होता हैगा, हमने कि आपको मालूम है कि अपने बच्चों को मारने का रूल्स नहीं है, कि वो तो हम भी जानते हैं आप भी, हमने कि नहीं होगा, अभी हम कंप्लेंट कर देंगे तो क्या होगा, कि कर दीजिए आप कंप्लेंट करना है। तो बच्चे के चोट के निशान है, कैसे मारा उन्होंने? ओ तो पर बच्चे ने बताया कि मेरे को बाल पकड़ के और मेरे को गाल पे तमाची तमाचा मारने लगी पीठ पर, और मेरी सुसु भी छूट, मेरे को सुसु भी नहीं लगी थी फिर भी मेरे को सुसु हो गई। तो फिर के भी निशान है बच्चे के गाल। हाँ नाखून के भी है, उसे गोल गोल है, काफी खून निकल रहा है उसके, काफी डार्क थे। मैंने तुरंत फिर मेरे हस्बैंड टीचर वो भी स्कूल में थे, मैंने कि क्या करूँ, फिर मैंने जब उनकी छुट्टी हुई तो मैंने उनको कॉल किया, तो उन्होंने कि दिखाओ तुम पुलिस स्टेशन करने गई।
तो फिर जब वो आए तो उन्होंने मैम से बात की कॉल पर, तो उन्होंने कहा उन मैम से मेरे को बात तो करा दो, आखिर मेरे बच्चे की क्या गलती थी जो आपने इतना तेज मारा। तो बोली कि मैं आपको मैम से बात नहीं करने दूंगी और मैं हैंडल कर लूंगी। मैंने कि मैं आप क्यों हैंडल कर, मैं भी तो जानू मेरे बच्चे की क्या गलती है जो इतना तेज उसको मारा गया है। इसकी शिकायत थाने में आपकी? हाँ जी, मैंने इसकी शिकायत रात को रिपोर्ट कर दी है। अब जो एक्शन हो आप, लेकिन ऐसा चलेगा बिहेव तो मार पीट के। उनका क्या नाम है? उनका लक्ष्मी कुंदेल। क्या चाहती हैं आप? मैं चाहती हूँ न्याय हो, बच्चों के साथ मारपीट ना हो, सीधी बात। और मेरे को धमकी देने लगी, यदि नहीं है तो आप स्कूल से टीसी ले लीजिएगा। टीचर के खिलाफ और जो हेड है, जब वो भी नहीं सुनेगी तो मैं क्या करूंगी ये बताइए। जब हेड ही कम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है, मैं तो टीचर तो बाद में है, जब हेड ही कम्प्रोमाइज करने को तैयार है, उन्हें ही ये नहीं पता कि हमें पेरेंट्स से किस तरह बात करनी चाहिए। और हमारे दो बच्चे पहले पढ़े, मैंने कि ऐसे मेरे दो भी बच्चे पढ़े, कभी आज तक शिकायतें तक नहीं आई। तो कहती है मैं आपके बच्चों का इतिहास जानती हूँ, क्या मेरे बच्चों का इतिहास जानेगी? कल दिनांक 18 को एक फरियादी आई थी, उन्होंने रिपोर्ट लिखी कि उनका जो बच्चा है वो आनंद मार्ग स्कूल में पढ़ता है, कल किसी टीचर ने उनके साथ मारपीट की है। मामले का आवेदन लेकर उसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है, जैसे कोई सूचना आती है आप सबको अवगत कराया जाएगा। धन्यवाद।